एलके एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं पार्ट 16 के शुरुआत में दिखाया जाता है यंगपाल जाने को होता है तो वहाँ सिंह आके कहती है कि तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है, कंपनी में जंग होने वाली है। और वहाँ से हांस सिंह चल देती है और यंगपाल भी अपना चल देता है घर की ओर। और वो थोड़ा चिंतित रहता है हांस सिंह के लिए। और हांस सिंह के कंपनी में सभी बोर्ड मेंबर आ गए हुए रहते हैं और हांस सिंह के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक्स चेयरमैन को दे देना चाहिए सामने वाले कंपनी को, वो काफ़ी पावरफुल है। तभी वहाँ हांस सिंह आती है और कहती है कि क्या कुछ कर रहे थे और कोई साथ नहीं देना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो वहाँ सभी कोई कहते हैं ऐसी बात नहीं है, हम सभी आपके साथ हैं, आप जो फैसला कीजिएगा वही हम लोग का भी फैसला रहेगा। तो वहाँ पर कहती है हांस सिंह बहुत अच्छे, और टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास जाती है और वहाँ कहती है कि तुम लोग को जैसे खाना जैसे रहना जो ऑर्डर करना है वो सब कर सकते हो, से नहीं जा सकते जब तक मुझे सामने वाले कंपनी का कोई कमजोरी पता ना चल जाए। तो वहाँ सभी कोई प्रेजेंटेशन देते हैं मगर कुछ खासा पता नहीं चलता है। और दूसरी तरफ यंगपाल डिनर पर बैठा हुआ रहता है और देखता है सादा खाना तो पूछता है, तो वहाँ स्टाफ बताती है कि जब परिवार के लोग जंग पर जाते हैं तो घर में सादा ही रहता है। और वहाँ यंगपाल कहता है ऐसी बात है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, तो सभी स्टाफ को लेकर गार्डनिंग करने के लिए चल देता है। दूसरी तरफ कंपनी में सभी कोई काफ़ी देर से मेहनत करके थक गए हुए रहते हैं और मगर हांस सिंह देखती है कि एक स्टाफ अभी भी एकदम लगा हुआ है ध्यान से, तो पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है, तो वो कहता है कि मैं क्या कहूँ, कहने को तो है मगर कुछ खासा नहीं है। हांस सिंह कहती है फिर भी तुम बोलो, तो वो बताता है कि मैंने उनका जीमेल चेक किया है तो पता चला है कि वो किसी कोड वर्ड में बात कर रहे हैं, किसी कंपनी को खरीदने दिया। तो हांस सिंह कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो कौन कंपनी है, चलो पता करो, तो वो बता देता है कि ये कंपनी है। तो हांस सिंह ये जानकर खुश होती है कि इसे तो पता है, और सभी को लगा देती है कि आखिर इस कंपनी के बारे में और डिटेल पता करो और इसका शेयर सामने वाला खरीद रहा है तो हम लोग भी खरीदेंगे। और दूसरी तरफ यंगपाल अपने बॉडीगार्ड के साथ चल देता है, अपने साथ मिला देता है। चीफ डॉक्टर ली को मैसेज करता है कि हमें एक्स चेयरमैन को आज़ाद करना है, सारा जिम्मा मेरा रहेगा। और यहाँ पर हांस सिंह ये सभी को काम दी हुई रहती है, तभी वहाँ के बोर्ड मेंबर आते हैं तो कहते हैं कि तुम लोग कैसे बैठे हुए हो, कोई मैनर नहीं है, वो भी चेयरवुमैन के सामने। तो चेयरवुमैन कहती है कि मैंने ही परमिशन दिया है, यहाँ से अब कोई बाहर नहीं जा सकता है, बाहर बॉडी गार्ड है। और कहती है कि हमें कुछ पैसे लेने पड़ेंगे, एक कंपनी खरीदना है। तो सभी कोई कहते हैं क्या आखिर कौन सा कंपनी है, तो हांस सिंह बताती है तो पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा कंपनी है। तो दूसरी तरफ विरोधी कंपनी का बॉस कहता है कि आखिर इतना समझदार होने का क्या फायदा जब सेक्रेटरी ही धोखेबाज हो, आखिर उसका धोखेबाज सेक्रेटरी का फोन आया कि नहीं। तभी का सेक्रेटरी का फोन आता है तो पता चलता है कि ये जिस कंपनी को खरीद रहा था अचानक कोई खरीदने लगा, तो ये जाकर पता करता है कि आखिर कौन खरीद रहा है, तो पता चलता है हांस सिंह की कंपनी। तो वो कहता है ऐसी बात है, लगता है जंग सामने सामने करने का मन है, चलो खरीदो, वो कितना में खरीद रही है उससे दुगुना परसेंट दो, मगर उसका सेक्रेटरी उसको रोकता है कितना ज़्यादा पैसा करने के लिए। तो हांस सिंह और सामने वाले कंपनी के बीच में काफ़ी भयानक सा सीन हो गया हुआ रहता है। दोनों का सेक्रेटरी कहता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंपनी का प्राइज हो चुका है, मगर हांस सिंह इधर रुकती नहीं और उधर वो भी नहीं रुकता, दोनों प्राइज बढ़ाते जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ चीफ डॉक्टर ली एक इंजेक्शन दे देता है जिसकी वजह से बॉडी कांपने लगता है और कहता है कि इसे हमें जल्दी से सर्जरी करवाना होगा, और उससे ले जाता है सर्जरी कराने के लिए। तभी वहां पर यंगपाल आता है और डॉक्टर ली दोनों मिलकर उसे बाहर की ओर ले जाते हैं गाड़ी में लोड करने के लिए। और ये खबर वहाँ का हेड सेक्रेटरी सीसीटीवी में देखकर सेक्रेटरी को कॉल कर देता है, तो सेक्रेटरी कहता है ऐसी बात है तो उसे जाने दो, रोकना मत, ऐसे तो सेक्रेटरी रोकने वाला रहता है, मगर सेक्रेटरी के कहने पर जाने देता है। और यहाँ पर यह सेक्रेटरी सामने वाले कंपनी का सेक्रेटरी को कॉल करके कह देती कि एक्स चेयरमैन हॉस्पिटल से बाहर निकल चुका हुआ है।